माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में शिवम है। खुशी की बात ये है कि ये इनको यहाँ से जहाँ से पता चला था ये सब बताएंगे भी आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस। पॉइंट ये कि ये अभी यहाँ पे कर रहे हैं हैदराबाद में, चलो पहले yes, sir, ये अपने बारे में पूरा भी बताएंगे जैसे मैं पूछता जाऊँगा। देखिए है क्या कि जब कोई बंदा बाहर हो अपने घर में आना चाहता हो तो अपने घर का कुछ भी बहुत अच्छा लगता है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनकी जब ज्वाइनिंग हैवल्स में हुई तो मुझे बहुत खुशी है कि वो ज्वाइनिंग इनके लिए मदद भी करी बाहर से आने में। मैं ये चाहता हूँ शिवम लोगों को ये शेयर करो कि कैसे यहाँ के बारे में पता चला, क्या तुमने किया था और हैदराबाद से यहाँ पे आने में क्या फ़र्क महसूस हुआ और संस्कार सोसाइटी कैसे क्या काम क्या तुम्हें समझ में आया, क्या अंतर है इसमें, ये चीज़ें थोड़ा सा बताओगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा नाम शुभम द्विवेदी है और मैं बेसिकली बांदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और इसके पहले मैं 4 साल मैंने पतंजलि में ज्वाइन रह करके हैदराबाद में काम किया सर। मैं हैदराबाद मेरे घर से दूर होने के कारण मुझे यहाँ पर सेटल होना था, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने फ्रेंड के थ्रू आपसे संपर्क किया जिससे सर मुझे बहुत अच्छी मदद मिली और यहाँ पर आने के बाद आपने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कराया और एक बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी में मैं यहाँ पर ज्वाइन भी हुआ एज अ रेफरेंस आपके और एक प्रोफाइल बेस कंपनी इंटरव्यू के थ्रू मेरा एक प्रोफाइलिंग जॉब मुझे मिला और मैं आज यहाँ पर सेटल हूँ। अच्छा ठीक गुड। अच्छा तुम्हें यहाँ और जो जनरल कंसल्टेंसी में क्या डिफरेंस समझ में आया, जब तुम शुरुआत में थोड़ा डाउट में थे? यस सर थोड़ा डाउट में थे, मुझे याद है इनकी तरह से मेमोरी में कि पता नहीं होगा यार ये सही है होगा कि नहीं होगा, ऐसे कुछ था दिमाग में, उस चीज को भी शेयर करो जो एक्चुअल चीज है। मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रेंड के थ्रू कि नहीं कंफ्यूजन था कि नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिला था और आपने फर्स्ट टाइम मीटिंग में ही मुझे 1 घंटे यहाँ बैठा करके एक टाइम सेशन में मुझे मोटिवेट करके आपने मुझे सेकंड जहाँ इंटरव्यू देने के लिए भेजा तो मेरे सारे थॉट्स क्लियर हो गए थे कि ऐसा कुछ है नहीं और जो भी है सब क्लियर कट है, फेस टू फेस है और जो भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि सब ये फ्रॉड वगैरह ऐसा वैसा कुछ है तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है बिल्कुल कि नहीं आप आएंगे आपको एक प्रोफाइल बेस में आपको मोटिवेट और प्रोफाइल बेस के बारे में समझाया जाएगा जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि हम अगर किसी जॉब के लिए अगर हम जाते हैं तो हमें उस प्रोफाइल के बारे में जानकारी होना सबसे बड़ा एक मस्त एक गुड थिंग होती है। ट्रेनिंग वगैरह भी को लिया था एक दो? सर सिंगल ट्रेनिंग सिर्फ 2 घंटे की। अच्छा उसी से हो गया? उसी से। बहुत अच्छी बात। चलो सर तुम्हें खुशी है इस बात की तुम्हें कानपुर सेटल हो गए परिवार के पास आए सर, बहुत अच्छा। लोगों को क्या कहना चाहते हो? लोगों को सर यही कहना चाहूंगा कि अगर घर से दूर है तो घर के नजदीक आने का ये सबसे अच्छा मौका है आपके पास, आप आकर के आए सर से बात करें, बेटर थिंग फॉर दिस। माय डियर कैंडिडेट उन्होंने एक बात मेंशन करी कि कहीं ना कहीं हम शुरुआत में डाउट मिले, देखिए ये फ्रेंड के थ्रू आए थे, फ्रेंड के थ्रू भी कभी कभी लोगों के अंदर डाउट आ जाता है, दुविधा होती है, हम लोग अपनी बात रखते हैं तो उनकी दुविधा कुछ कम हुई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इनका इंटरव्यू ज्वाइनिंग हो गया। कभी कभी किसी किसी का 2-4-5 बार में नहीं भी होता है, देखिए ये मत मान के चलिए हर एक बंदे का पहले 2 में हो जाएगा, इनका हुआ खुशी की बात है, कई लोगों का हुआ खुशी की बात है। आप ये भी देखिए प्रयास किसने किए, कभी कभी बैटिंग में 11 बैट्समैन सब बैटिंग उसी दिन नहीं कर जाएंगे, किसने अच्छे प्रयास किए, कोई किसी दिन फेलियर होगा कोई किसी दिन होगा, बट टीम के एफर्ट्स जरूर देखे जाते हैं और हम लोगों की टीम काम कर रही है। मैं इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, इनको घर पे लाने में संस्था ने काम किया, ये प्लेटफॉर्म लगातार काम कर रहा है, इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये आगे बढ़ेंगे और अच्छा करते जाएंगे। और जब ये लोग दोबारा मिलने आते हैं तो इनको हम लोग कुछ टिप्स देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए भी आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, कैसे बेस्ट देना है और कैसे शांत रहना है, ये बात भी आपको लोगों को सबको सीखने को मिलती है, बहुत सारी फीडबैक मिलती है जिससे हम लोग भी आगे उन कैंडिडेट्स के थ्रू बहुत कुछ जानते हैं। इनके इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है ये और आप इंस्पायर भी होते रहिए और लाइक भी सभी वीडियोस को करते चलिए जिससे कि लोगों को और मोटिवेशन आए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysorejob.com। ये सब बिजी होते हुए संडे को संस्था के लिए टाइम निकाल के आए हैं कि संस्था के बारे में भी मैसेज जाना चाहिए। थैंक यू।